Hello friends, I'm back again with my new video and you're watching Traveler Sharma. My name is Nitin Sharma. So, आज हम बात करेंगे travel insurance की. मेरे से किसी ने पूछा था कि यार आपने दूसरी वीडियो में बता तो दिया कि travel insurance बहुत ज़रूरी है या थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे apply करें. But आज मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि travel insurance कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, कैसे हम खरीद सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें. ये मेरे पास मेरे हाथ में मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस है जो मैंने मई में करवाया था अपने स्पेन जाने के लिए. सो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी स्कैंड कॉपी अपनी वीडियो में डाल के दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है. और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे परचेज करते हैं. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, नथिंग एल्स, जस्ट आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और पेमेंट करनी है और वो ईमेल पे आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भेज देते हैं. सो चलिए चलते हैं अपनी प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे आपको बताऊँगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे परचेज करना है. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एप्पल फ़ोन है, आईफोन. सो आईफोन में मैं सफारी खोलूँगा, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है दूसरे एंड्रॉयड ऐप्स में, दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स में. iOS में सफारी होता है. सो मैं सफारी को आइकन पे क्लिक करूँगा और ऊपर सर्च में डालूँगा बजाज आलियंस ट्रैवल. जैसे ही मैं बजाज आलियंस ट्रैवल डालूँगा, मैंने पहले से ही खोल रखा था. सो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, गूगल आपको ऑप्शंस दे देगा. तो वहाँ पे आप सेकंड पे क्लिक करिए, बजाज आलियंस ट्रैवल इंश्योरेंस. जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो गूगल पे ऑप्शंस आएंगे आपके पास. पहला ऑप्शन जो है वो ऐड है, वो रिलायंस ट्रैवल इंश्योरेंस का है. सेकंड है वो बजाज आलियंस का है, वो ऐड है. थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, उस पे आप ओपन करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वो आपको डायरेक्टली पेज पर ले जाएगा जहाँ से आप ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस. अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप अकेले जा रहे हैं, और जैसे फैमिली भी है, फैमिली ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये इसके लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं बाय नाउ पे. उसके बाद सीनियर सिटीज़न, अगर आप अबव 60 एज हैं तो आप सीनियर सिटीज़न वाला प्लान यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस, ये अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कुछ डिस्काउंट्स होते हैं फॉर सीनियर सिटीज़न, फॉर फैमिली. बट आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आप बाय ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप बाय ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्टेप वन ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए. सो थ्री स्टेप्स में आप ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हैं. पहले आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर मैं डालूँगा सैम, और सेकंड लास्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल शर्मा. एंड देन आप अपना नंबर डालेंगे, फॉर एग्जांपल 9910401813. उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी, जो आपकी जीमेल की आईडी है जिस पे आप चाहते हैं कि वो आपको इंश्योरेंस भेजें आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आप आईडी डालेंगे. आईडी डालने के बाद उसके बाद आप नीचे जो आइकन देखेंगे तो यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ में आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, मेरा है जैसे अगस्त. उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करेंगे, मेरी है 14th. उसके बाद आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, विच माइन इज़ 1994. उसके बाद जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे. यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन है पिन कोड. पिन कोड आप जैसे कि आपके जो एरिया का पिन कोड है वो डाल देंगे, 110045 फॉर एग्जांपल. उसके बाद आप सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे टाइप ऑफ ट्रैवल, किस तरह का टाइप ऑफ ट्रैवल है आपका. उसके बाद आप फैमिली ट्रैवल है, इंडिविजुअल ट्रैवल है, स्टूडेंट ट्रैवल है, बिजनेस मल्टी ट्रिप है. सो उस हिसाब से, जैसे हमारा इंडिविजुअल ट्रैवल है, हम अकेले जा रहे हैं, सो इंडिविजुअल ट्रैवल पर क्लिक कर देंगे. उसके बाद आपकी कौन सी कंट्री जा रहे हैं आप कंट्री ट्रैवलिंग टू. फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेन जा रहे हैं तो आप यहाँ पर स्पेन डालेंगे. मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी डिटेल्स फिल करी थी, आप भी बिल्कुल ऐसे ही डिटेल्स फिल करेंगे. इट्स वेरी सिंपल, सो इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. उसके बाद आप डिपार्चर डेट डालेंगे. फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में जा रहे हैं, कोई भी आप डेट पिक कर लेंगे, जैसे कि 4th of December 2018. और आपकी रिटर्निंग डेट क्या है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल 20 डेज़ के लिए जा रहे हैं, सो आप दिसंबर में दोबारा जाएंगे. उसके बाद 2018 सिलेक्ट ऑलरेडी है, सो आप 24 डाल देंगे. उसके बाद 24 पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 4 से 24 तक का होगा तो वो उतने डेज़ का आपका वो हो जाएगा. अब यहाँ पर आप 24 डाल रहे हैं तो 21 डेज़ दिखा रहा है, नंबर ऑफ डेट्स 21. जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आपको एटलीस्ट 5 डेज टू 10 डेज मैक्स मैक्सिमम रखना है. फॉर एग्जांपल मैं 30 डेज कर रहा हूँ. अब जैसे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आई वॉन्ट टू कवर, यहाँ पर ऑप्शन हैं माई सेल्फ है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, उसके बाद पेरेंट्स हैं, आप किसके लिए कवर ले रहे हैं. तो वहाँ पर नीचे डिटेल्स डलेंगी, नेम और रिलेशन क्या है आपका उनके साथ, एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ. उसके बाद ये करने के बाद आप नेक्स्ट पे कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे. बट अभी हम माई सेल्फ पे क्लिक करके दोबारा कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे. सेकंड स्टेप है, ऊपर लिखा रहा है वेलकम सैम शर्मा प्लान्स. अब आपके प्लान्स है, सिलेक्ट ए प्लान टू नो मोर,
कोई एक प्लान आपको चूज करना पड़ेगा उसके बारे में जानने के लिए। जैसे प्राइम सिल्वर है हमारे यहाँ पर, सेकंड प्लान है इलाइट सिल्वर है, थर्ड प्लान है कंपेनियन ट्रैवल केयर। सो सबसे इनमें जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 200 और 300 रुपीस का फ़र्क है। उसके बाद आप नेक्स्ट नीचे जाएंगे सम इंश्योर्ड इन, जैसे मैंने आपको बताया था यूएस डॉलर है तो 50,000 बहुत होता है ट्रैवलिंग के लिए, 50,000 का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको ये पे नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको जेंडर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, योर नेम ऑलरेडी फिल्ड है, जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी डली हुई है, प्रेजेंटली इन इंडिया येस ये ऑलरेडी डला हुआ है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे जो भी है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल P726880 एंड नॉमिनी आप किसको रखना चाहेंगे, जैसे कि आपको कुछ हो जाता है तो जो ये सम ऑफ अमाउंट है वो किसको मिलेगा। सो आपने एग्जांपल कुछ भी नाम डाल देना है यहाँ पे जो आपकी फैमिली मेम्बर है, जॉर्ज मैंने डाला है ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल। GSTIN UIN नंबर इसका मतलब होता है जैसे कि आपका कोई कंपनी है तो उसका आप कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं, GSTIN नंबर डाल सकते हैं ताकि वो क्लेम वहाँ मिल जाए। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो परमानेंट एड्रेस में आप अपनी डिटेल डालेंगे, हाउस नंबर, उसके बाद फ्लैट नंबर जो भी है आपका, जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे RZ789 स्ट्रीट नंबर 8। उसके बाद आपकी स्ट्रीट डालेंगे, लोकेलिटी लैंडमार्क फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कश्मीरी गेट डालूँगा, कश्मीरी गेट। उसके बाद आप पिन कोड पे जाएंगे, पिन कोड आपका डालेंगे 110045 फॉर एग्जांपल। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे और स्टेट डालेंगे तो सिटी और वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, जैसे इसने ऑटोमेटिकली स्टेट दिल्ली ले लिया है, सिटी ले ली है साउथ वेस्ट। उसके बाद आप एरिया कोड डालेंगे, पालम विलेज एरिया। उसके बाद आप फैमिली फिजिकल फिजिशियन या डॉक्टर डिटेल्स आप डालना चाहते हैं, आपका कोई है परमानेंट है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। जो इस पे भी स्टार्स लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट वाले उसको बॉक्स को आप येस करेंगे कि ऑल द डिटेल्स यू हैव फिल्ड इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉन्ट बजाज, वाई आई वॉन्ट बजाज आलियंस, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि लॉस्ट ऑफ लगेज है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट है, लॉस्ट ऑफ पासपोर्ट है, सो काफ़ी सारे क्लेम्स इसमें होते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई एक प्रीमियम। अब इसमें जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे प्रीमियम, जैसे आपको मैंने प्राइम सिल्वर का टिक किया है, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या कवर है। सो यहाँ पे ट्रिप डिले है, हाईजेक कवर है, एक्सीडेंटल है, डेथ है, सो ये सब ये जो प्राइम सिल्वर है वो आपका कवर करेगा सारे जितने भी रिलेटेड एक्सपेंस है योर ट्रैवल इंश्योरेंस से रिलेटेड। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आएगा प्लीज़ चेक द डिटेल्स एंटर्ड बाय यू, सो आपने जितनी भी डिटेल्स अभी तक फिल करी हैं वो आप सारी चेक करेंगे, आपका अमाउंट चेक करेंगे, आपकी स्टार्टिंग डेट है 4th of December 2018 और एंड डेट है 2nd of January 2019। ये जैसे कि मैंने 30 डेज़ के लिए किया है तो उसका सम अमाउंट आ रहा है 1444, यानी कि ये जो अमाउंट है 1444 ये आपको पे करना है। उसके बाद आपका इंश्योर्ड नेम जो है वो चेक कर लीजिएगा, पासपोर्ट सारी डिटेल्स आपकी आपको वन बाय वन चेक करनी है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, अगर आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, वैसे कोई पढ़ता नहीं है। बाकी आप इसको पे, आपके पास ऑनलाइन मेथड है पे ऑनलाइन, उसके बाद आपके पास चेक पिकअप फैसिलिटी है, वो चेक भी ले सकते हैं आपके घर आके आपके एड्रेस पे, IVRS भी है। सो हम पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आफ्टर क्लिकिंग पे ऑनलाइन आप यहाँ पर नीचे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी है, फॉर एग्जांपल योर CVV नंबर, योर एक्सपायरी डेट ऑफ कार्ड, योर नेम, कार्ड होल्डर नेम, सो ये सब जैसे कि आप नॉर्मली जैसे अमेजोन। सो दोस्तों आफ्टर पेइंग दैट अमाउंट 1444, उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी जिसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट के बाद आपका कुछ ऐसा प्रिंट आउट निकलेगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, आपका नाम होगा, टोटल जितना आपने इंश्योरेंस करवाया है उतना वो कवर्ड अमाउंट होगा,
और टोटल डेज ऑफ ट्रिप होंगे और कितनी तारीख से कितनी तारीख आप जा रहे हैं. सो ये सब आपका उसमें इन्फॉर्मेशन सारी होगी. एंड सेकंड पेज पे आपका क्या क्या इंश्योर्ड हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं. और उसके बाद आप ये अपनी एप्लीकेशन के साथ, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ये पेज लगा सकते हैं जो ट्रैवल इंश्योरेंस है. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अपने कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं रिलेटेड टू वीज़ा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड बाय बाय. ऑनलाइन आप कैसे यार मम्मी वीडियो बना रहा हूँ मैं. कट.